नाउ अब हम मूव करते हैं मैं अनदर टॉपिक की तरफ, दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं? इंटीजर्स के एडिशन करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, व्हेन साइंस आर सेम एंड व्हेन साइंस आर डिफरेंट। यानी आप जब एडिशन करते हैं तो आपके पास दो डिजिट होती है, अगर पहली डिजिट और सेकेंड डिजिट दोनों के साइंस सेम है, जैसे प्लस है एंड प्लस बी, या फिर माइनस है माइनस बी। यहाँ पे देखिए आप दोनों डिजिट के साइन क्या है, सेम है, दोनों डिजिट के साइन क्या है, सेम है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस बी, यानी दोनों डिजिट के साइन क्या हो रहे हैं, सेम। अगर दोनों डिजिट के साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं। यानी अगर दो डिजिट आएगी आपकी प्लस और प्लस की तो हम एडिशन करेंगे, दो तो डिजिट अगर माइनस की है तो भी हम एडिशन करेंगे। हम हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, 17 प्लस 12, 17 में प्लस 12 करेंगे हम, 7 प्लस 2 दैट इज 9 एंड 1 प्लस 1 2, तो ये आपका आंसर आ गया 29। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आपका, आपकी फर्स्ट डिजिट है -70, आपकी फर्स्ट डिजिट क्या है, -70। अब हमें इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। सेकेंड डिजिट है हमारी -12, ये हमारा सेकेंड क्या फुलफिल कर रही है कि माइनस ए एंड माइनस बी का एडिशन, यानी दोनों डिजिट के जो साइन है वो आप देखेंगे क्या है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव डिजिट के साइन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सेम 17 प्लस 12 29, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 प्लस 12 29। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेटर डिजिट का साइन लगता है आंसर में, ग्रेटर डिजिट किसकी है, -17। तो आपका जो आंसर होगा उसका साइन क्या आएगा, -29। अगेन बोल रही हूँ मैं आपको, जो आपका आंसर होता है उस पर जो आपका साइन होता है वो बिगर इंटीजर, जो आपके क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चंस में जो जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जब बड़ा साइन जिस डिजिट का आ रहा है वो आपके आंसर पे पुट होता है। नाउ सेकंड मेथड, व्हेन साइंस आर डिफरेंट। साइंस आर डिफरेंट यानी अगर हमारे पास दो इंटीजर है ए एंड बी, ए जो है हमारा वो है प्लस डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो बी है वो क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों के साइन क्या होगा, डिफरेंट। या फिर आपका जो फर्स्ट इंटीजर है वो है माइनस ए एंड सेकेंड इंटीजर है प्लस बी, यानी फर्स्ट डिजिट तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है एंड सेकेंड डिजिट क्या है, पॉजिटिव, तो इन दोनों के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं दोनों डिजिट के साइन, तो क्या परफॉर्म करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 23 प्लस माइनस 8, यहाँ पे देखिए आप ए जो है आपका क्या है, पॉजिटिव का, बी क्या है, नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 23 माइनस 8, 13 माइनस 8 5, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 15। ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट कौन सी आपकी, 23, तो आपका जो आंसर पे साइन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिजिट के साइन को हम कभी भी इंडिकेट नहीं करते, अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो डिजिट किसकी है, पॉजिटिव की है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, -27 प्लस 9, ये क्या हो गया आपका, माइनस ए एंड दिस इज प्लस बी, यानी सेकेंड कंडीशन हो रही है, जो आपका फर्स्ट इंटीजर है वो है माइनस का, सेकेंड इंटीजर क्या है आपका, प्लस का। अब दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए 27 ग्रेटर है 9 से, यानी जो आपका आंसर आएगा उस पर किसका साइन आएगा, -27, यानी माइनस का साइन आएगा। 27 में से 9 हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 17 माइनस 9 8 एंड 1, 18 तो हमारा आंसर आ गया। अब ना इस पे जो साइन है वो ग्रेटर डिजिट का आएगा, दैट इज -27, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये तो हुआ एडिशन ऑफ इंटीजर, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में -5 फ्रॉम -7, हमें 7 में -7 में से -5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -7। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डिजिट आपकी आती है और सब्ट्रैक्शन करने के लिए उसमें फ्रॉम लिखा हुआ आता है, इसका मीनिंग है आपको इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस करना है। तो आप ये गलती मत करना कि आप पहले -5 को लिख दो, क्योंकि जब आप माइनस करते हो और डिजिट चेंज होती है तो आपका आंसर भी चेंज होता है। तो आप जब फ्रॉम आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड डिजिट को फर्स्ट लिखते हैं, तो -7 में से हमें -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो
तो माइनस सेवन लिखेंगे हम पहले। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस फाइव को, तो हमने लगा दिया माइनस फाइव। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, अभी हमारे इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ये किसका है, माइनस, ये भी किसका है, माइनस, यानी दोनों डिजिट क्या है, सेम साइन है दोनों डिजिट पे।